जो बोल के डायरेक्टर मार्केटिंग आकाश को आज सुबह अगवा किया गया है बोल के दफ्तर से बाहर, ये बहुत ही एक काबिले मुजम्मत बात है। सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान में ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो उनके वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, उसके ऊपर दुनिया को शदीद तशवीश है। और मैं आपको बता दूं कि इस रजीम का ये जो पॉलिसी है लोगों को अगवा करना और कस्टोडियल टॉर्चर करना, वो दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल होती जा रही है। इस वक्त जो रद्द अमल है वो अपना इब्तदाई रद्द अमल आ रहा है, लेकिन इस रद्द अमल में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया रिएक्ट करेगी इसके ऊपर। इसके ऊपर जिस तरीके से अब पाकिस्तान में अदालतों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से शहरियों को ट्रीट किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब को आज उन्होंने ट्वीट की कि बड़ा मुश्किल एक साल था, ये एक इंतहाई बेशर्म एक साल था। शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई भी और शख्स होता वो आज इस एक साल को याद ही ना कराता लोगों को कि एक साल हो गया मुझे बराजमान हुए। इस एक साल में पाकिस्तान में आइन दफन हो गया, इंसानी हकूक दफन हो गए, मिसिंग पर्सन का जो मामला था वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर एक्स्ट्रा कस्टोडियल टॉर्चर जो सुना ही नहीं था पाकिस्तान में जनरल जियाउल्लाह के बाद, कस्टोडियल टॉर्चर पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आपने उसको एक बिल्कुल न्यू नॉर्मल बना दिया। इस रजीम को एक साल में अपने इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के ऊपर, अपने आइन के ऊपर अमल दरामद करने के रिकॉर्ड के ऊपर, पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इदारों को तबाह करने के ऊपर, हर मामले के ऊपर इनको सिर्फ शर्म और तासुफ का ऐसा इजहार करना चाहिए था। इसके अलावा इनके पास कोई दलील नहीं है अपने रहने की। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफ़ा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक्तदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें, इस्तीफा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। जिस तरीके से अदालतों के अहकाम को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ख़त्म करने की जो बहिमाना कोशिशें की गई उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। कल का दिन पार्लिमान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ हो। इसके ऊपर अफसोस की बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने वहाँ पे जाके अपनी जो मंशा और अपनी जो रजामंदी थी वो सियासी लोगों के साथ डाली और वो दो ऐसे लोगों के दरमियान में जाके बैठे और तकरीर की जिनके मुकदमे उन्होंने सेटल किए थे। इसहाक डार को हुदैबिया केस में जिस किस्म का रिलीफ दिया गया था, उसके बाद वो कल जिस तरह उनके साथ जाके बैठे रहे, जाहिर है कि इसके ऊपर इंतहाई एक अफसोस की बात है। और आज लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब को अपने अहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके खिलाफ 3 रेफरेंसेज इस वक्त पेंडिंग हैं, लेकिन कल के बाद ये लॉयर्स बॉडीज जो हैं उनका ये मानना है कि वो अपने अहदे के ऊपर काम करने के मजीद अहल नहीं रहे। हम बहरहाल किसी पर्सनल तनकीद में नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, लेकिन लॉयर्स के साथ हमारी हमायत रहेगी और वकला बॉडीज जो भी लाइमल इख्तियार करेंगी तरीके इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। आज हम यहाँ पर हाईकोर्ट में आए थे। हाईकोर्ट में हमारा मामला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकता पंजाब गवर्नमेंट को तबादलों और ट्रांसफरों के लिए, और पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपको मालूम ही है दो मुंशी बने हुए हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम की हुकूमत के। जो वो कह रहे हैं सियासी वर्करों को उठाने का, इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है, पंजाब की हुकूमत है, ये हायर्ड
एबडक्टर्स बने हुए हैं, जिस तरह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं डाकुओं को कि वो बंदे फलाने बंदे को उठा लो और इतने पैसे ले लो, आज पंजाब हुकूमत नून लीग की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम कर रही है। इस वक्त लोगों को बकायदा उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हम हाईकोर्ट आए हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काम में इनका ममदो मावन साबित हो रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए, अब माशाल्लाह यहाँ पे आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं ये मोहसिन नकवी की एमा के ऊपर यहाँ पे हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि 22 अफसर जो हैं उन्हें पंजाब से ट्रांसफ़र किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तोहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। जिन 42 एमपीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं, या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जायल साजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर और सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर, और जो पहचाने हैं 35 दस्तखत जो 34 दस्तखत जो टोटल दस्तखत 42 हैं उनमें से 8 जाली हैं, जो बाकी हैं उनके ऊपर हम तोहीन अदालत में मूव कर रहे हैं कि उनको लाहौर हाईकोर्ट जो है वो इनको बुलाए और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों के निज़ाम का तमस्कर उठाने के ऊपर इन मेंबरान के खिलाफ जो है वो तोहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और जो 8 दस्तखत जाली हैं और अगर उसको वो साबित नहीं कर सकते राजा परवेज़ अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के वो असली हैं, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ और स्पीकर असम्बली के खिलाफ जो सेक्शन 466-467 पाकिस्तान पीनल कोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल तक कैद है, उसके तहत हम मूव करें। थैंक यू।